चुनाव का माहौल है, तो चिड़ियाघर में भी चुनाव का माहौल है। और ऐसा हुआ है हमारे बनारस में चिड़ियाघर के आसपास के इलाके में एक गुंडा, बलवान नाम का गुंडा बदमाश, वो इलेक्शन में खड़ा हो गया। हमने बाबूजी के साथ मिलकर पूरे परिवार ने, चिड़ियाघर की पूरी फैमिली ने बहुत कोशिश की कि गुंडे मवालियों को, बदमाशों को, बाहुबलियों को इलेक्शन में खड़ा नहीं होना चाहिए। एक साफ़ सुथरी छवि वाला आदमी इलेक्शन में खड़ा हो, लेकिन वो खड़ा हो गया। तो पूरी कोशिश की, कुछ हो नहीं पाया। तो फाइनली बाबूजी ने डिसाइड किया कि वो अनशन पे बैठेंगे इसके ख़िलाफ़, कि किसी साफ़ सुथरी छवि वाले आदमी को इलेक्शन में खड़ा किया जाए ताकि वो जीते और पूरे इलाके का कुछ फ़ायदा हो। तो इसी बात को लेकर बाबूजी अनशन पर बैठे हैं। देखिए, मैं गौमुख, मुझे पता है सामने कुआं है, मुझे पता है सामने खाई है, लेकिन अगर बाबूजी ने बोल दिया कि बेटा जाके कूद जा, तो मैं फिर एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, जाके कूद जाऊंगा। इतना आज्ञा का पालन करता हूं मैं बाबूजी। और बाबूजी ने अगर बोल दिया कि बेटा मैं अनशन पर बैठ रहा हूं, तो बाबूजी पूरा विश्वास कि कुछ सोच कर कुछ हमारी भलाई के लिए बाबूजी कर रहे होंगे। तो मैं पूरी तरह से बाबूजी के साथ हूं, सपोर्ट कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि बाबूजी जिस मकसद से कर रहे हैं अनशन उसमें कामयाब हों। बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका मकसद ये था कि ऐसे लोगों को टिकट ना मिले, टिकट उनका रद्द हो गया बाबूजी के अनशन की वजह से। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि जो चार दिन बाबूजी ने अनशन किया, तो उसकी वजह से जो वो चाहते थे वो हुआ, और एक अच्छे कैंडिडेट को उनकी जगह खड़ा किया जाएगा, और वो इलेक्शन जीतेगा और आके हमारे इलाके में हमारा कुछ फ़ायदा करेगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, और चिड़ियाघर में हमारे बाबूजी जो हैं वो अनशन पर बैठे हैं। वो अनशन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे इलाके से जो चुनाव लड़ रहा है बलवान, वो बहुत ही नामी गुंडा है, और हम नहीं चाहते कि कोई गुंडा यहाँ से हमारे इलाके से जीते और हमें रिप्रेजेंट करें। सो बाबूजी चुनाव आयोग के पास गए थे, उन्होंने कंप्लेन की थी कि भाई ये बलवान का आप टिकट रद्द करो, अदरवाइज़ मैं अनशन पर बैठूँगा। अब चुनाव आयोग ने तो कुछ किया नहीं, तो अब जैसे बाबूजी ने कहा वैसे वो अनशन पर बैठे हैं और हम बाबूजी के साथ हैं। वो हल्का सा डर तो लगा ही रहता है सभी को। देखिए, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हम गुंडे तो हैं नहीं। जब गुंडे हाथ में लाठी लेकर दौड़े आए तो हमें भी थोड़ा सा डर लगा, लेकिन हमें एक बात का बहुत फ़ख्र है, और हम एक बात के हमारे पास बहुत जुस्सा रहता है, बहुत ताकत रहती है, वो है हमारे संस्कार, जो हमें बाबूजी हमेशा कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे पास संस्कार है तो किसी से ना डरो। और इसलिए शुरू में थोड़ा सा डर लगता है जब ऐसे नामी गुंडे हमारे सामने आ जाते हैं, बट हम उनका सामना फिर दिल खोल के करते हैं और लड़ाई करते हैं उनसे बाकायदा, और उन्हें हराते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कोई इंसान कुछ करे या ना करे, अगर जो लड़ रहा है उसके साथ भी अगर खड़ा हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अब बाबूजी अनशन पर बैठे हैं, हमने तो कहा था कि हम अनशन पर बैठते हैं, बाबूजी आप मत बैठिए, लेकिन अब बाबूजी हैं, बाबूजी हमें अनशन पर तो बैठने देंगे नहीं, लेकिन हम बाबूजी के साथ हैं, और इस लड़ाई में हम बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो बलवान है जो हमारे इलाके से खड़ा हुआ है चुनाव में, उसका टिकट रद्द हो, और मुझे पक्का यकीन है कि उसका टिकट ज़रूर रद्द होगा। थैंक यू। टेलीविजन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीविजन वाला को अभी इसी वक्त।